सोनीपत जिला जेल में कैदियों को साक्षर बनाने की जेल प्रशासन की मुहिम कामयाब हो रही है, जिसके बाद अब जेल में कम पढ़े लिखे कैदियों को साक्षर होने का मौका मिल रहा है। कैसे, आपको दिखाते हैं पूरी रिपोर्ट। किसी क्लासरूम की तरह लग रही ये क्लास बेहद खास है। यहाँ पढ़ रहे सभी कैदी किसी न किसी जुर्म में सोनीपत जिला जेल में सजा काट रहे हैं, लेकिन अब इन कैदियों ने साक्षर बनने की ठानी है और इस नेक काम में इनकी मदद कर रहा है सोनीपत जिला जेल प्रशासन। शिक्षा के क्षेत्र में हमने सबसे पहले जेल के अंदर एक सर्वे करवाया, जिसमें 85 इनमेट्स बंदी ऐसे मिले जो बिल्कुल अनपढ़ थे, जिनको कह कह गए गए और कुछ भी पढ़ना लिखना नहीं आता था। ऐसे बंदियों के लिए मैंने जेल के ही जो पढ़े लिखे बंदी थे उनको पढ़ाने के काम के अंदर लगाया। सोनीपत जिला जेल में कैदियों के लिए खास बंदोबस्त किए गए हैं, जिसके तहत पढ़े लिखे कैदियों को अनपढ़ कैदियों को पढ़ाने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। जेल में बकायदा क्लासरूम बनाया गया है जिसमें कैदी पढ़ाई करते हैं। इन कैदियों में वो कैदी भी शामिल हैं जो पहले कभी स्कूल नहीं गए लेकिन आज पढ़ना लिखना सीख चुके हैं। कुछ कैदी जिनकी पढ़ाई किसी वजह से बीच में ही छूट गई थी, आज 10वीं और 12वीं पास कर चुके हैं। मैंने ग्रेजुएशन और जेबीटी का कोर्स किया है। 12वीं में शिक्षक का कार्य करता था और यहाँ पर भी माननीय अधीक्षक जी के आदेश के द्वारा यहाँ पर पढ़ाने का कार्य करता हूँ। कैदी भी जेल प्रशासन की इस मुहिम से बड़ी तादाद में जुड़ रहे हैं। शिक्षक और छात्र की नई भूमिका में कैदी काफी खुश है। मैं बिल्कुल अनपढ़ था, किसी कारणवश मुझे जेल में आना पड़ गया और यहाँ पर जो सुप्रिंटेंडेंट साहब ने जो मतलब यहाँ क्लासें लगवाई हैं, मैंने उनका पूरा फायदा उठाया। मैं तो बिल्कुल अनपढ़ था, अपने हस्ताक्षर भी नहीं कर पाता था। अब मैं सारे काम कर लेता हूँ, अपने हस्ताक्षर भी कर लेता हूँ, किताबें भी पढ़ लेता हूँ और अखबार भी पढ़ लेता हूँ। जेल का स्टाफ भी कैदियों को पढ़ाने में पूरी मेहनत कर रहा है, साथ ही क्लास में कैदियों की हाजिरी भी सुनिश्चित की जाती है। राजेश खत्री, जी मीडिया, सोनीपत।